नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे टेक्निका। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं इसको, जो कि हमें मिला है अमेजोन की तरफ से। अब इसके अंदर क्या है, चलिए हम इसको खोल के देखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्क की ओर। अब देखते हैं इस डिब्बे में आखिर है क्या। अगर मैं आपको बता देता हूँ इस डिब्बे में है क्या। इस डिब्बे में है अमेजन बेसिक्स का 50 इंच वाला ट्राईपोर्ड, जो कि एलमुनियम से बना हुआ है। चलिए इसे खोल के देखते हैं आखिर इसमें हमें किस तरह से ट्राईपोड मिलता है। तो ये रहा बिल, मैंने इसे पहले ही से अनबॉक्स कर लिया था, बस उसे मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बिल में देख सकते हैं ये मुझे पड़ा 800 रुपये का टोटल। यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको अमेजन बेसिक्स लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ 50 इंच लाइट वेट एलमुनियम ट्राईपोड। अब खोलते हैं, ये रहा इधर वाला। इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपिंग मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, खुली नहीं रही थी। बहुत ही दिक्कतों के बाद वो ऊपर की प्लास्टिक हटी है। अब देख सकते हैं इसमें एक बैग मिलता है। इस बैग के अंदर है हमारा ट्राईपॉड। ये बैग की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसमें एक स्ट्रैप भी मिलता है, जिसे आप कहीं भी इजिली कैरी कर सकते हैं। इस बैग के अंदर रहा हमारा ये मेन ट्राईपॉड। बैग को रखते हैं कोने में। और ये देख सकते हैं इसमें हमें 3 जॉइंट्स मिली हैं, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे अमेजन बेसिक्स। इसमें आपको एक बबल मीटर मिल जाता है, जैसे कि आप में देख सकते हैं कि आपके आखिर आपका कैमरा कितने डिग्री एंगल, या मतलब ये सीधा है या नहीं। मेन इसका काम यही होता है। इसमें 3 जॉइंट्स है और देखते हैं इसकी टोटल हाइट है 50 इंच। अब हम इसे देखते हैं लंबे करके आखिर ये कितनी लंबी है। तो इसके अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी तो इसकी बहुत ही बढ़िया है। ये वाकई में एलुमिनियम की बनी हुई है, और यह ये सब जितने भी जॉइंट्स हैं प्लस ये सब जितने भी, ये सब आपको प्लास्टिक की मिल रही है। अगर आप इसे बढ़िया से यूज़ करें, यानी सही तरीके से यूज़ करती है, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देगी और चलेगी। आप इस पर आप DSLR माउंट कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसमें अपना फ़ोन ही माउंट कर सकते हैं, अपने फ़ोन माउंट को लगा के। तो अब देखते हैं आखिर इसी हाइट क्या है। इसे मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। इसमें 3 जॉइंट मिलते हैं, तीनों जॉइंट खोल दिया मैंने, इधर भी मेरे भी। सिंपली इसे खोलना है और खुद ब खुद लेग्स बाहर आ जाएंगी थोड़ा सा। ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, इसमें मेरे टेबल पे अट नहीं पा रहा है। अब बात करें, मैंने इसे पहले ही खोल रही थी, तो अब बात करें इसकी हाइट की। ये इसकी हाइट है 50 इंचेस लिखी हुई, बट इस पर आपको मिलती है लगभग 51.5 इंच, यानी कि आपको 1.5 इंच का फ़ायदा ही है। तो अगर आप ये ट्राईपॉड लेना चाह रहे हैं तो आप इसे बेशक लीजिए। ये एक मिड मतलब एक बजट ट्राईपॉड के अंदर बहुत ही बढ़िया ट्राईपॉड है, और इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और इससे आप बहुत ही बढ़िया सिनेमेटिक लुक्स के साथ अपनी फोटो वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको पैनिंग की भी कंट्रोल मिलती है, इससे आप अपने वीडियोस में पैनिंग इफेक्ट्स भी ला सकते हैं, और बी रोल्स भी बना सकते हैं। बी रोल्स तो नहीं बना सकते, सॉरी, पैनिंग से जरूर कर सकते हैं। इसमें आपको ये है मेन लीवर, ये रहा हैंडल, इसको लूज किया। अब ये देख सकते हैं ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ लूज करने पे आप इसे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, और इसे लूज करने के बाद आप इसे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं आधे फीट या 1 फीट के आसपास। अगर आपको इसे इस पर कुछ माउंट करना है, तो आपको उसमें सिंपली इसे खींचना है और ये यहाँ पे से बाहर आ जाएगा। अब आपको इसमें अपना फ़ोन होल्डर माउंट करना है या कैमरा माउंट करना है, इसे आप लगा के इसे सिंपली पीछे से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेटल का बना हुआ है। इसमें पर आपको सिंपेक्स वाले से बात की जाए, तो इसमें आपको जैसे प्लास्टिक का मिल रहा है, बट मतलब कि अमेजन वाला में, बट सिंपेक्स वाले सिंपल सिंपेक्स 333 है, उसमें आपको ये सब मेटलिक मिलता है। बट अमेजन का ट्राईपॉड अगर आप ले रहे हैं तो अमेजन वैसे भी काफ़ी अच्छा है। सिंपेक्स वाले से मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, मैं सिंपेक्स वाला भी यूज़ कर रहा हूँ, बट अमेजन वाला का क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है। सिंपेक्स वाला का लेक्स जो है वो उसमें बस 2 ही जॉइंट मिलता है। ये ज़्यादा छोटा हो सकता है, पर वो ज़्यादा छोटा नहीं हो पाता। ये छोटा होकर लगभग आपका 1 फीट के आसपास आ जाता है। इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ये बहुत ही इजी टू हैंडल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते 2 वीडियोज़ लाता रहूँगा।